Hello students, today we will solve some important question of Tamil Nadu State Eligibility Test, that is TN set, Computer Science and Applications. So first question is, a club has 25 members. The number of ways to choose 4 members of the club to serve on an executive council is. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टोटल आपके 25 मेंबर्स हैं और आपको उसमें से 4 मेंबर चूज करने हैं. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हम लोगों को 25 में से 4 अगर चूज करने हैं तो जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 25C4. क्लियर है अच्छे से. और अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं कॉम्बिनेशन को, तो फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 21. ठीक है ना, हमारा एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसे अब सॉल्व करूं तो 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 और इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 21 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 21. तो फैक्टोरियल 21 एंड फैक्टोरियल 21 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल. और यहां पर फैक्टोरियल 4 हमारा कितना होता है, फैक्टोरियल 4 हमारा होता है 24. तो यहां पर आपका 24 एंड 24 भी कैंसिल हो जाएगा. तो बस हमें अब किसका मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 23 इंटू 22. तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा इस मल्टीप्लीकेशन का वो होगा आपका 12650, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. तो यहां पर आपको ये पॉइंट पहले समझना था कि यहां पर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है क्योंकि आपको 25 में से 4 मेंबर सेलेक्ट करने थे. उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए इस कैलकुलेशन को कर लेने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 कंटेन एटलीस्ट 3 वंस एंड एटलीस्ट 3 जीरोस इज. तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका. ठीक है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का ही होगा. यहां पर आप ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक 10 बिट का स्ट्रिंग है जिसमें एटलीस्ट 3 वंस एंड 3 जीरोस आने चाहिए. तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं आपके. तो अगर आप देखेंगे एटलीस्ट बोला है, तो यहां पर अगर 3 जीरोस आ गए, ठीक है, एटलीस्ट 3 जीरोस होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 7 क्या हो जाएंगे आपके, वंस. सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका, 4 जीरोस, तो यहां पर 6 वंस हो जाएंगे. थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 5 जीरोस, तो यहां पर आपके 5 वंस हो जाएंगे. फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका, 6 जीरोस, तो यहां पर आपके कितने वंस हो जाएंगे, 4 वंस हो जाएंगे. क्लियर है अच्छे से. और इसी तरीके से जो आपका फिफ्थ कॉम्बिनेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा 7 जीरोस प्लस 3 वंस. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर अगर आप और कॉम्बिनेशन करने जाएंगे तो ये आपका जो वंस है वो आपके 3 से कम हो जाएंगे. जैसे अगर आप 8 जीरोस लेते हैं तो आपके 2 वंस हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस कॉम्बिनेशन को 1 to 5 जो आपने लिखा है उसे अगर आप 5 to 1 लिख लें, तो देखिए 3 वंस 7 जीरो, 4 वंस 6 जीरोस, 5 वंस 5 जीरोस, 6 वंस 4 जीरोस, 7 वंस 3 जीरो. तो एक्चुअल में जो एटलीस्ट 3 वन एंड एटलीस्ट 3 जीरोस बोल रहा है वो आपके दोनों इसी कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे जो हमने 5 लिखे हैं कंडीशंस. क्लियर है ना अच्छे से. तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता जिसमें आपके एटलीस्ट 3 1 और 3 0 क्या हो, पॉसिबल हो. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब आप चाहे तो 0 के रेस्पेक्ट में सोच लीजिए, चाहे तो आप 1 के रेस्पेक्ट में सोच लीजिए. ठीक है,
तो आप ध्यान से देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका. अगर मैं जीरो के रेस्पेक्ट में सोचूं तो 10 बिट में आपका कितना जीरो होना चाहिए, 3, ठीक है, 3 जीरोस होना चाहिए. तो 10C3, 10 बिट में आपका 4 जीरोस, मतलब 10C4, 10C5, 10C6 और 10C7. क्लियर है अच्छे से, यही आपका आंसर हो जाएगा यहां पर. तो इसे यहां पर अगर मैं आप सॉल्व कर लूं तो 10C3 क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और लास्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर ये आप फैक्टोरियल वाला सॉल्व कर सकते हैं. अब आप सीख गए हैं फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है और आई थिंक आपको आता भी होगा, ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा आपका 912. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी. यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके सामने कि मैंने यहां पर इन सबको ऐड क्यों किया, ठीक है ना. जैसे मुझे 3 जीरो सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10, 10 में से 3 जीरो या 10 में से 4 जीरोस या 10 में से 5 या 10 में से 6 या 10 में से 7, तो आपको ये बात समझनी होगी. हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये बात पता है कि डिजिटल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मैं उसी से रिलेट करने जा रहा हूं इस कंडीशंस को. देखिए यहां पर जो आपकी कंडीशंस हैं वो क्या है आपकी, और मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या तो वो, मतलब जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सेकेंड नहीं होगी, सेकेंड होगी तो बाकी सब नहीं होगी, थर्ड होगी तो बाकी सब नहीं होगी. एक टाइम पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब हमारे पास अल्टरनेट है. तो जब भी और, हिंदी में क्या बोलते हैं और को, या, ठीक है ना, जब भी आपका और हो तो इस केस में आपका जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी ऐड, क्योंकि और गेट में हम ऐड ही करते हैं ना. तो बस सिंपल इस तरीके से आप माइंड में रखिए, जब भी अल्टरनेटिव हो या और हो देन यू विल ऐड. क्लियर है अच्छे से. तो ये हो जाएगा आपका 912. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स गिवन है. बोल रहा है कि 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं ड्यूरिंग विच क्लासेस एट अ यूनिवर्सिटी कैन बी शेड्यूल्ड. इफ देयर आर 677 डिफरेंट क्लासेस, हाउ मैनी डिफरेंट रूम्स विल बी नीडेड. तो यहां पर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाऊं तो यहां पर आपके पास टोटल 38 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं जिसमें आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड हो सकती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और आपको टोटल 677 क्लासेस शेड्यूल्ड करनी है. तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि टोटल क्लासेस शेड्यूल करनी है 677, ठीक है, और 38 टाइम स्लॉट्स में ये शेड्यूल की जा सकती हैं. तो कितने आपको रूम्स चाहिए होंगे, कितने क्लास रूम्स चाहिए होंगे ताकि आपके कोई भी दो क्लासेस क्लैश ना हो, ठीक है ना. तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हमारे पास सिर्फ 38 स्लॉट्स हैं, टाइम स्लॉट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए मॉर्निंग 8 to 8:30 एक स्लॉट हो गया, 8:30 to 9 दूसरा स्लॉट हो गया, ऐसे हमारे पास टोटल 38 स्लॉट्स हैं, ठीक है, और हमें 677 क्लासेस शेड्यूल करनी है. दैट मींस सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 677 डिवाइडेड बाय 38, ठीक है ना, क्योंकि 677 शेड्यूल करनी है तो ऑब्वियस सी बात है 38 टाइम स्लॉट्स हैं. तो हम ये निकाल लेते हैं कि एक टाइम स्लॉट में कितनी क्लासेस हमें शेड्यूल करनी पड़ेंगी, और जो एक टाइम स्लॉट में शेड्यूल होंगी उनके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम चाहिए ही होंगे. तो 677 अपॉन 38 ये ऑलमोस्ट इक्वल आता है आपका 18 के. दैट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, हमें टोटल 18 क्लासेस चाहिए होंगी अगर हमें 38 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में 677 क्लासेस शेड्यूल करनी है. तो क्लियर है अच्छे से. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.